हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की एंड इसके बैक कैमरा की क्वालिटी की। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड कमेंट सेक्शन में जाके बताइए नेक्स्ट गाड़ी की वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हैं मिडल में स्कोडा का लोगो एंड लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये कुछ कंट्रोल्स हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के। ये आपका दे रखा है उन्होंने वॉइस कंट्रोल के लिए और ये आपका फॉर टू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग एंड ये आपका दे रखा है इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स। और अगर आप देखते हैं इसके राइट साइड पे तो ये आपके बटन्स दे रखे हैं फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओके सो ये जो बटन है फर्स्ट वन इन द टॉप ये डेड बटन है, इसमें कुछ नहीं होता है, बटन विदाउट फंक्शन ये, बट ये बटन जो है वो किसी काम का यहाँ पे है नहीं। एंड जो नीचे वाला बटन है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे। आई एम प्रेसिंग द बटन तो नेक्स्ट मेन्यू खुल गया, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा एंड इकोनॉमी आ गई आपकी एंड यहाँ पे ऑडियो, ये सब इस बटन से आपका नेक्स्ट हो जाएगा और इससे ही प्रीवियस मेन्यू आपका वापस आ जाएगा। ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, टेलीफोन, ऑडियो, ये सारे बटन आपके दे रखे हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। और ये वाले जो ये जो बटन दे रखा है ये पर्टिकुलरली आपका जैसे ड्राइविंग डेटा मैंने यहाँ पे खोल लिया तो इससे आपके स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप आपके दे रखा है, इससे आप स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप कर सकते हैं आराम से लाइक दिस। ये मेन्यू आर चेंजिंग इसी बटन से, ये इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर ड्राइविंग डेटा के अंदर। ये है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल्स के फंक्शन, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही यूजर फ्रेंडली और बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का स्टीयरिंग व्हील दे रखा है। टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, देखिए मिडल में यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे इट्स वेरी काइंड ऑफ स्पोर्टी एंड बहुत ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो बहुत कंसिस्टेंट है। यू नो आप जहाँ पॉइंट करें गाड़ी वहीं जाती है आपकी, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इसकी। आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो माय लास्ट ट्रिप वाज टू जयपुर एंड वहाँ पे हमने 24 किलोमीटर्स पर लीटर की मैक्सिमम, इंडियाज फर्स्ट कुशाक आई थिंक होगी जो 24 किलोमीटर्स की एवरेज निकाल पाई है। आई थिंक दैट्स इट, आप चैनल में जाइए आप जाके वहाँ देख सकते हैं वीडियोस। उसके चार पार्ट्स मैंने बनाए हैं एक्चुअली, चार पार्ट्स में आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो 21 की एवरेज आई है, पार्ट सेकंड में 22 विच वॉज मैक्सिमम एक्चुअली। मैं कुछ टाइम पहले कहीं और भी गया था तो वहाँ पे मेरी जो एवरेज अभी तक कुशाक की 6 महीने हो चुके हैं जो एवरेज आई है वो 22 किलोमीटर पर लीटर की मैक्सिमम आई है, बट दिस टाइम 23 की एवरेज आई तो मैंने तुरंत एक वीडियो एक और बनाई थर्ड पार्ट। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद वो 24 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज वी हैव मैनेज टू अचीव्ड, तो मैंने इसकी स्पेशली चार पार्ट्स में वीडियो बना रखी हैं, आप प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल में जाइए और आप देख सकते हैं। सो आइए बात करते हैं इसके बैक कैमरा क्वालिटी की। बैक कैमरा क्वालिटी आप देख रहे हैं मेन्यू खुला हुआ है, मेरा फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड है एंड इस तरह का दिखता है इसका कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्क्रीन, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, एप्लीकेशंस, बहुत यूजर फ्रेंडली है, टच एंड फील बहुत बहुत बेहतरीन इसका, कुछ दिक्कत नहीं हुई है मुझे आज तक इसको यूज करने के अंदर। एंड ये आपका गियर नॉब, रिवर्स इसका बस एक ये पॉइंट है कि रिवर्स जो इसका है वो यहाँ से प्रेस करके आपको डालना पड़ता है, ये रिवर्स आपका, ये बैक कैमरा की क्वालिटी आप देख पाएंगे इसके अंदर, ठीक ठाक क्वालिटी है, सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यूज करने के अंदर। बट इसका जो यहाँ पे पॉइंट में आप देख रहे हैं साइड के दो बार जो छोड़े हुए हैं ये आई थिंक पूरा ये बड़ा वाइड एंगल शॉट होता तो ये ज्यादा देखने में आता मजा आपको। बट एनीवेज ये गियर आप डालेंगे यहाँ से प्रेस करके, ये यहाँ पे ये प्रेस करके तो ये आपका बैक कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बेसिक फंक्शंस हैं और बहुत स्टीयरिंग व्हील है, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस, बाय बाय।